कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की तुलना। प्रायद्वीपीय पठार का है जैसे कि युक्त है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ये जो जगह है प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसके अंदर जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो नदियां मिलती हैं उन नदियों की तुलना, उन नदियों में क्या अंतर है। तो इसमें जो है ये पहाड़ियां पूर्वी घाट की पहाड़ियां कही जाती हैं, तो इधर पश्चिम है ये पश्चिम घाट की पहाड़ी। इसमें नदियां इन्हीं से निकली हुई हैं। इन दोनों नदियों में अंतर देखिए, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कुछ नदियां जो है एक पश्चिम की ओर बहती है और कुछ जो है पूर्व की ओर बहती है, इधर अरब सागर है इधर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और एक जो है अरब सागर, देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की विशेषता है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती, इधर की ओर बहने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और एक है ताप्ती। ये दोनों नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर बहती है। देखिए नर्मदा ताप्ती है। दूसरी विशेषता की है नदियां देवता नदी बनाकर ज्वार नद मुख बनाती है। ज्वार नद मुख क्या होता है, जो नदियां अपने मुहाने पर, मुहाना होता है जहां नदी सागर से मिलती है उस स्थान को मुहाना कहते हैं। तो जो नदियां अपने मुहाने पर देवता नहीं बनाती है तो उस मुहाने को ज्वार नद मुख कहते हैं। तो ये नदियां जो है पश्चिम की ओर जो बहती है नर्मदा और ताप्ती देवता नहीं बनाती, तो एक डेल्टा न बना करके द्वार नद मुख बनाती है, यानी ये ऊंचाई से सागर में गिरती है इसलिए वो अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, उनका डेल्टा मुहाना साफ रहता है द्वार नद मुख बनाती है। और फिर तीसरी विशेषता की इन नदियों की लंबाई कम होती है, ये छोटी छोटी पहाड़ियों से निकल करके पश्चिम की तरफ जाती है इसलिए इसकी लंबाई बहुत कम होती है। चौथी विशेषता कि पश्चिम घाट के पश्चिम की ओर से बहने वाली ये नदियां और अरब सागर में गिरती है, एक पश्चिम की ओर से निकल करके और जा करके इस अरब सागर में। और ये नदियों की विशेषता देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तो पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियां महानदी गोदावरी तिहरा कावेरी ये नदियां जो है महानदी ऐसे गोदावरी है कृष्णा है और एक है कावेरी। कावेरी ये नदियां जो है इधर पश्चिम से पश्चिम घाट से के पर्वतों से निकल करके ये पूरब की ओर बहती है। देखिए ये नदियां हैं, दूसरी विशेषता ये नदियां डेल्टा बना, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन ये नदियां डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी भागों से होकर के गुजरती है और सागर में जहां मिलती हैं वहां इनका मुहाना जो है यानी जल जो है ऊंचाई से नहीं गिरता, बिल्कुल वहां जाकर के नदियां सब नदियों का जल जो है स्थिर हो जाता है। तो नदियां जो अपने साथ साथ बहा कर ले जाती हैं वहां पर जमा करती रहती है, धीरे धीरे और डेल्टा बन जाती है। तो ये नदियां जो डेल्टा बन, तीसरी विशेषता इनकी है इन नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत कम भाग, यानी इनकी अपेक्षा जो पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं इनकी अपेक्षा एक पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की लंबाई अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह पश्चिम घाट के पहाड़ों से निकल जाती है, ये निकल करके और पूर्व की ओर जाती है तो इनकी लंबाई ज्यादा है। इसके बाद
चौथा है ये नदियां पश्चिम घाट के पश्चिम भाग को से निकल करके पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बताए ये जो पश्चिम घाट के तौर से निकल करके और जा करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस तरह से प्रांतीय पठार की नदियों में दोनों में पश्चिम घाट पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली दोनों नदियों में यही अंतर है। धन्यवाद। फिर संदेश दें।